आज से मैं आप सबके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको शॉर्ट्स में सारी चीजें करवाई जाएंगी। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पार्ट एक भाग एक आर्टिकल कितने से कितने तक डील करता है। तो सिंपल सा याद रखिए कि जो भाग एक है पार्ट वन आर्टिकल एक से चार तक डील करता है। आर्टिकल वन क्या कह रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल दो, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। आर्टिकल तीन, जो पुराने राज्य हैं या फिर नए राज्य उनका क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना, वो आर्टिकल तीन के अंदर आता है। और आर्टिकल चार क्या कहता है, आर्टिकल चार कहता है अगर आर्टिकल एक दो या तीन करके किसी नए राज्य का बनाया गया है, नया राज्य बनाया गया है, किसी राज्य का नाम चेंज किया गया है, तो उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि वह आर्टिकल चार के तहत भाग एक के अंदर है, किसी स्टेट का नाम चेंज करना संविधान संशोधन के अंदर नहीं माना जाएगा। तो ये सिंपल से चार आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, ये भाग एक के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।